My name is Koichi Fukawa from Kagome Japan and director of Kagome Foods India. Kagome was established in 1899 in Japan. Kagome is the number one biggest tomato processing company in Japan. Kagome has a philosophy that the fields are the primary production plant. It means good ingredients come from good fields. Kagome Foods India started contract farming in Kalgao in 2020. Kagome Foods India has three goals. Number one, to increase farmers' income with high yield and less wastage ratio. Number two, to improve tomato processing ratio in India. Number three, to enhance restaurant's operational efficacy. Kagome Foods India would like to work with farmers and work for farmers. नाम दादू से सोलंकी है, मैं ग्राम पानवा का रहने वाला हूँ। ये मेरा गांव ही है, ये मेरी लैंड है। इस लैंड पे मुझे नेक्स्ट टाइम मालूम पड़ा कि कगोमी यहाँ पे आ रही है और किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है, तो मैं भी आया, उनसे समझा, समझ के मैंने जो समझने के ऐसा लगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा, तो मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके मैंने अपने खेत पर वो वाले पौधे लगवाए जो कगोमी से हमें टाइप हुआ था। और उसके बाद मुझे बिना तार, बिना बांस, बिना बल्ली के, क्योंकि चूँकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, वो हमको नहीं लगा। और कम से कम खाद में कम से अधिक उत्पादन मैंने लिया है, क्योंकि इस साल मेरे को बेचने की एक जगह फिक्स है, हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, मंडियों में इधर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास में इंडस्ट्री वहाँ जाके दे दो। और उसके बाद मुझे प्रति एकड़ का 30 से 32 टन का एवरेज इस वर्ष मुझे मिला है। और नेक्स्ट ईयर अभी मेरा वापस, मैं अभी मैंने 5 एकड़ में लगाया था, अब मैं 20 एकड़ में लगाने जा रहा हूँ, पूरे 20 एकड़ में लगूँगा। और 20 एकड़ में लगा के वो फिर मैं जो है तो 40 टन प्रति एकड़ का एवरेज लूँगा, ये मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूँ। कगोमी का लक्ष्य कगोमी के सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के साथ किसानों की आय को बढ़ाना और खेती की लागत को कम करना है। इसके लिए कगोमी के 3 आधार स्तंभ है, एक विशिष्ट उच्च उपज वाली बीज की किस्में, दूसरा इफको और कगोमी के विशेषज्ञों द्वारा दिया गया हुआ मार्गदर्शन और बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तीसरा बाजार की कीमतों में गिरावट होने के बावजूद कगोमी की बायबैक गारंटी। आइए हम बीज की किस्मों के बारे में कुछ और जानते हैं। ये नॉन स्टैकिंग वैरायटी है जिसके कारण किसानों को तार और स्टैक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसकी वजह से कम 30% की बचत होती है। रोग सहनशीलता होने के कारण कम से कम कृषि रसायनों का उपयोग करना पड़ता है और केवल 4 बार में फसल की उपज निकल जाती है, जिसके कारण श्रम और परिवहन में लगने वाली लागत का भी बचत होता है। हमें उम्मीद है कि निकट के भविष्य में किसान कगोमी और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मिलकर मध्य प्रदेश को भारत में टमाटर उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। एक टीम के रूप में हमारा लक्ष्य का समर्थन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और किसानों को धन्यवाद है।